आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। सीमांचल नहीं जाए, बीजेपी कड़े काहे हड़बड़ाए हुए हैं भाई, हमारी डर गए क्या? नहीं, हम लोग किसी के आने से और किसी के जाने से न घबराने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न भयभीत होने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना साधने की कोशिश की जाएगी तो एतराज़ तो थोड़ा होगा। अगर बिहार में कुछ देने के लिए आते, बिहार के बारे में कुछ सोचने के लिए आते, लगातार बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला, और सिर्फ हम लोग जेडीयू के लोग इसको नहीं मांग रहे हैं, सदन दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों से ये पारित सवाल है और राज्य के लिए इतना अहम सवाल है और उस पर भारत सरकार का नकारात्मक रवैया है, नकारात्मक सोच है बिहार के बारे में। चिंता इस बात की है कि अगर कोई लोग आते हैं, केंद्र से मंत्री आते हैं, उनका सबका स्वागत है, लेकिन बिहार के लिए कुछ करने के लिए आए, बिहार को कुछ तोहफा देने के लिए आए, बिहार की तरक्की के लिए आए, बिहार के उन्नति और प्रगति के बारे में सोचे, बिहार में अमन और शांति और भाईचारा और प्रेम के बारे में सोचे, तो सब लोगों का स्वागत है। आपके साथ काम करने वाले श्री मोदी जी ने ये कहा कि नीतीश जी फूलपुर छोड़ दे, कहीं से चुनाव लड़ेंगे, जमानत जब्त बीजेपी कराएगी। देखिए, सुशील मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और हमारे जैसे छोटे लोगों से उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सुशील मोदी जी को संयम बरतना चाहिए और किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ कह देते हैं उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग तो ये जानते थे कि मोदी जी को केंद्र में मंत्री बनाएगा और मोदी जी बिहार के बारे में कुछ सोचेंगे, तो मोदी जी तो खाली बिहार की खुदाई में लगे हुए हैं, बिहार को नीचा दिखाने में ही लगे हुए हैं और बिहार के सर्वमान्य नेता, बिहार के विकास पुरुष जो राज्य को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया, उनके बारे में ओछी और छोटी टिप्पणी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सुशील मोदी जी अपना ही नुकसान कर रहे हैं, दूसरा किसी को नुकसान नहीं कर रहे। नहीं, हम लोग का कहना ये है कि जब आए थे आरा में आए थे तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ राष्ट्रीय झंडा लहराया। आरा आए थे तो हमारे वीर बाकड़ा वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि सिर्फ उन्होंने दिया। कुछ कहना चाहिए था, कुछ बताना चाहिए था, कुछ राज्य की तरक्की कैसे होगी, विकास कैसे होगी और कहाँ कहाँ कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये बात कहना चाहिए, लेकिन कुछ कहे नहीं। इसी प्रकार से सिर्फ हिंदू हिंदू कहने के लिए अगर वो आ रहे हैं, सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए अगर सीमांचल में आ रहे हैं तो हम लोग को सख्त एतराज़ है। इसका आप लोग कितनी तैयारी रखे हुए हैं प्रशासनिक तौर पर, अगर वो इस तरह को भाषण देते हैं या माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार की क्या तैयारी है? आज इस राज्य में सद्भाव की ज़रूरत है और सिर्फ इस राज्य में नहीं, आज पूरे देश में सद्भाव की ज़रूरत है, आपस में मिल्लत की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, भाईचारा की ज़रूरत है। और केंद्र में बैठी हुई सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है, इससे न समाज चलने वाला है, न समाज बनने वाला है, न राज्य और देश की तरक्की हो, तो देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जो आज बेरोज़गार नौजवान लंबी कतार लेकर कर खड़ी है, उनको रोज़गार की बात सोचना चाहिए, महंगाई चरम पर है इसकी बात सोचना चाहिए, सारे चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर GST लगा दिया, आज हर लोग तबाह और परेशान है, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए, ना कि दूसरी बात करने के लिए इधर उधर की बात करके काम चलाना चाहिए। देखिए, जनभावना इरादा क्या है उनका, सोच क्या है उनकी, बिहार आते हैं तो कुछ देना चाहिए। जब बिहार ने जाति आधारित जनगणना का सवाल उठाया तो हाथ उन्होंने उठा दिया, तब बिहार क्यों आना चाहते हैं?
बिहार में कौन ऐसा करिश्माई कार काम करने के लिए बचा हुआ उनके लिए जो करना चाहते हैं। उनके जो इरादे हैं उनके इरादे साफ सुथरी नहीं है। उनके इरादे बिहार के लोगों ने भाप लिया है और बिहार के लोगों को, बिहार के लोग हर मोर्चे पर इनको 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 जवाब देंगे। आपके सारे नेता को सड़कों पर निकल रहे हैं 27 तारीख को, इसीलिए क्या आप लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो जो काम बिहार के लिए कर रहा है, बिहार के अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ये कोई नई बात हम लोग के लिए थोड़ी है, तो पुरानी बात है और इसको हम लोग चलाते रहते हैं। सुशील मोदी को धमकी मिला है जान से मार देने की, टीएमसी के किसी ने धमकी दिया? कोई भी नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर धमकी देते हो, किसी को अगर इस तरह के खराब इरादे से किसी को फोन करते हो, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आज के कार्यक्रम में किस तरह का मामला आया? आप लोग मधेपुरा हो, आज के जनता दरबार के कार्यक्रम में कुछ जगह के मधेपुरा का मामला आया था, तालाब का या और कुछ जगह का मामला आया, उसको बोला गया है संबंधित पदाधिकारी। कल तो हम लोगों के विभाग का समीक्षा था, कल हम लोगों के विभाग का समीक्षा हम लोगों ने किया है और जो भी सरकारी नलकूप जो खराब पड़े हुए हैं उसको भी हम लोग ठीक करने का, और जो भी अभी अभी जिस तरह का सुखाड़ का मौसम आया इस बार, इसमें हम लोग श्री जितना भी चेक डैम और बियर है उसके लिए भी मेंटेनेंस पॉलिसी हम लोग बनाने जा रहे हैं, और जहाँ पर बियर और चेक डैम की आवश्यकता है वहाँ पर भी हम लोग बियर और चेक डैम भी बनाएंगे, और तालाब का भी जो है, जो तालाब पुराना बड़ा तालाब था जो मतलब अब बहुत लंबे समय से उसका खनाई नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग खनाई करेंगे। नलकूप एक बड़ा समस्या है आप लोगों के विभाग, नलकूप को हम लोग देख रहे हैं, उसको उसके लिए विस्तृत कुछ ये बना रहे हैं कि उसको, ऐसे तो नलकूप को चलाना पंचायतों को दिया गया, नलकूप के संचालन की पूरी जिम्मेदारी पंचायतों को और पंचायत के मुखिया को दिया गया है लोकल स्तर पर। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक ही तो बोल रहे हैं, उसमें इसमें बुरा क्या बात है? युवाओं को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी युवा हैं, हम लोगों को भी मुख्यमंत्री जी मंत्री बनाए हैं, युवा को तो मुख्यमंत्री अभी नहीं बहुत पहले से आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी ही दिख रहे हैं, कोई नहीं है युवा, ऐसा कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो जी इस गठबंधन के नेता हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं कहा है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, हमने सुना नहीं है पूरे वक्तव्य को, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है युवाओं को बढ़ाना है, जिसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या आ रहा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जदयू में कोई युवा नहीं है, जदयू में तो युवा को बढ़ा ही रहे हैं, हम लोग क्या युवा नहीं है? जदयू में युवा को बढ़ा ही रहे हैं, हम लोगों को मंत्री बनाए, जो है सबसे कम उम्र में मंत्री बनाए, तो युवा मंत्री नहीं बना। ठीक है।